नमस्कार एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 24 अगस्त गुरुवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। चंद्रयान 3 के लैंडर ने चांद के दक्षिण ध्रुव पर कदम रखकर इतिहास रच दिया है। उसने 20 मिनट में चंद्रमा की अंतिम कक्षा से 25 किलोमीटर का सफर पूरा किया। लैंडर को धीरे धीरे नीचे उतारा गया। 5:30 पर शुरुआत में रफ लैंडिंग बेहद कामयाब रही। इसके बाद 5:44 पर लैंडर ने वर्टिकल लैंडिंग की, तब उसकी चंद्रमा से दूरी 3 किलोमीटर रह गई थी। आखिरकार लैंडर ने 6:04 पर चांद पर पहला कदम रखा। इस तरह भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। चांद के किसी भी हिस्से में यान उतारने वाला चौथा देश बन गया है। इससे पहले अमेरिका, सोवियत संघ और चीन को ही ये कामयाबी मिली है। अब सभी को विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर के बाहर आने का इंतजार है। धूल का गुब्बार शांत होने के बाद ये बाहर आएगा। इसमें करीब 1 घंटा 50 मिनट लगेगा। इसके बाद विक्रम और प्रज्ञान एक दूसरे की फोटो खींचेंगे और पृथ्वी पर भेजेंगे। साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 15वीं ब्रिक्स समिट शुरू हो गई है। ब्रिक्स देशों के नेता लावरोव सेंटन कन्वेंशन सेंटर में हाथ पकड़कर तस्वीर खिंचवाते नजर आए। इस दौरान एक घटना ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा। ग्रुप फोटो सेशन के दौरान हर लीडर के खड़े होने की जगह तय थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मोदी जब साउथ अफ्रीकी प्रेसिडेंट के साथ मंच पर पहुंचे तो उन्हें तिरंगा जमीन पर दिखा। प्रधानमंत्री ने फौरन राष्ट्रीय ध्वज उठाया और सलीके से जैकेट की जेब में रख लिया। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीकी प्रेसिडेंट ने भी अपने देश का फ्लैग उठाया, लेकिन ये स्टाफ को सौंप दिया। इस अवसर ने मोदी से भी तिरंगा देने की गुजारिश की, लेकिन उन्होंने नम्रता से इनकार कर दिया। भारत के लिए बुधवार को गौरव के साथ एक ऐतिहासिक दिन है। भारत का मिशन चंद्रयान 3 कामयाब हो गया है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत सहित प्रदेश के नेताओं ने भी चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग होने पर बधाई दी। जयपुर में भी लोगों ने लैंडिंग के बाद जोश के साथ भारत माता की जय के नारे लगाए। सीएम अशोक गहलोत ने स्कूली बच्चों के साथ चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग देखी। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर लिखा, नभ स्पर्शम दीप्तम। आखिरकार इसरो के प्रबुद्ध वैज्ञानिकों की वर्षों की मेहनत से वो ऐतिहासिक पल आ गया जिसके लिए पूरा देश प्रार्थना और इंतजार कर रहा था। चंद्रयान 3 की कामयाबी के लिए टीम के सभी वैज्ञानिकों को हार्दिक बधाई। चंद्रयान बुधवार शाम को चांद की सतह पर उतरा, लेकिन उससे पहले राजस्थान की इस महिला नर्सिंग अफसर ने जमीन खरीद ली है। महिला नर्सिंग अफसर जोधपुर के एम्स अस्पताल में तैनात है। उन्होंने अपनी 2 बेटियों के लिए ये जमीन खरीदी है। उनका कहना है कि बेटियों को इतना काबिल बनाना है कि वे चांद पर जा सके और खुद की जमीन देख सकें। नर्सिंग अफसर का नाम है मीना बिश्नोई। उनको बाकायदा 1 एकड़ जमीन खरीदने का प्रमाण पत्र लूना सोसाइटी की ओर से जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि मीना राजस्थान की पहली महिला है जिन्होंने चांद पर प्लॉट लिया है। इससे पहले अजमेर के धर्मेंद्र कुमार नाम के व्यक्ति ने अपनी एनिवर्सरी पर अपनी पत्नी के लिए चांद पर प्लॉट लिया था। राजस्थान विधानसभा चुनाव जीतने के लिए इस बार कांग्रेस 2 बार हारे उम्मीदवारों पर भी दाव लगाएगी। पिछली बार ऐसे दावेदारों के टिकट काट दिए गए थे। जिन सीटों पर बीजेपी लगातार चुनाव जीत रही है वहां एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाने के लिए भी पार्टी सबसे पहले टिकट डिक्लेयर करेगी। सितंबर अंत तक 80-90 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर देगी। पहले लिस्ट में नए जिलों के दावेदारी जुटाने वालों का खास ध्यान रखा जाएगा। राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि 2018 के चुनाव में 13 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की थी। इसमें से महुआ विधायक ओम प्रकाश हुड्डा को छोड़कर ज्यादातर कांग्रेस बैकग्राउंड से ही थे। लगातार हार के चलते इनका टिकट कट गया था, मगर वे निर्दलीय या किसी अन्य पार्टी से लड़े और चुनाव जीत गए। यही वजह है कि पार्टी 2 बार लगातार हारने वालों को टिकट नहीं जैसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं रखना चाहती। बीकानेर शहर के दोनों विधानसभा सीटों के लिए टिकट मांगने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार लोकेश शर्मा ने शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला के सामने कांग्रेस से सीट मांगा है। शर्मा ने बीकानेर पश्चिम के साथ बीकानेर पूर्व से भी टिकट के लिए आवेदन भेजा है। अब बीकानेर पश्चिम से 18 नेताओं ने टिकट की डिमांड कर दी है। वहीं बीकानेर पूर्व में ये संख्या बढ़कर 38 तक पहुँच गई है। राजसमंद में बाइक पर आए 3 बदमाश ज्वेलरी की दुकान में लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। घटना शहर के कांकरोली थाना क्षेत्र के जल चक्की चौराहे की बुधवार सुबह 10:30 बजे की है। बदमाश तिजोरी और दुकान में रखी करीब 1 करोड़ रुपए की कीमत की ज्वेलरी ले गए। जानकारी के अनुसार जल चक्की रोड पर संजय सोनी की रूपम गोल्ड नाम से ज्वेलरी की दुकान है। करीब सुबह 10 बजे संजय के बेटे आर्यन सोनी ने दुकान खोली थी। कुछ देर बाद ही एक युवक आया और ज्वेलरी दिखाने को कहा। सारी ज्वेलरी तिजोरी में रखी थी। दुकानदार ने कुछ देर रुकने को कहा। आर्यन जैसे ही तिजोरी खोलकर ज्वेलरी दिखाने लगा, उस युवक ने बाहर खड़े अपने 2 साथियों को इशारा कर
अंदर बुला लिया। दुकानदार कुछ समझ पाता इससे पहले ही दोनों बदमाशों ने आर्यन और कर्मचारी मदन पर पिस्तौल तान दी। चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग हो गई। इसको लेकर आसान समय देश भर में पूजा अर्चना दुआओं का दौर रहा। हालांकि जब जयपुर में चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर खेल मंत्री अशोक चांदना से पूछा गया तो उन्होंने अजीबोगरीब बयान दिया है। उन्होंने कहा, हम कामयाब हुए हैं और सेफ लैंडिंग हुई। जो यात्री गए हैं हमारे, उनको सलाम करता हूँ। इसके बाद से वो सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रोल किए जा रहे हैं। खेल मंत्री अशोक चांदना बुधवार को एसएमएस स्टेडियम में खेलो इंडिया सेंटर का उद्घाटन करने पहुँचे थे। उन्होंने कहा, हमारा देश साइंस और स्पेस रिसर्च में एक कदम और आगे बढ़ा, उसकी सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ। केंद्रीय सूचना प्रसारण तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज गुरुवार को यहाँ 2 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। ठाकुर आज सुबह 10 बजे नीम्स विश्वविद्यालय में नेहरू युवा केंद्र संगठन के 2 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। युवा उत्सव का आयोजन भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर युवा शक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए किया जा रहा है, जिससे इंडिया वर्ष 2047 की दृष्टि तक अमृतकाल की यात्रा में पंच प्रण की भावना हो। डोर टू डोर कचरा संग्रहण करने वाली एक कंपनी का 15 साल पुराना भुगतान नहीं करने के मामले में कोर्ट ने जोधपुर नगर निगम कार्यालय को कुर्क करने के आदेश दिए। बुधवार को वाणिज्य कोर्ट की टीम जब इन आदेशों की पालना के लिए पहुंची तो निगम प्रशासन में हड़कंप मच गया। इसके बाद नगर निगम उत्तर और दक्षिण दोनों ही आयुक्त के साथ कोर्ट की टीम की कई घंटे तक बैठक हुई और आंशिक भुगतान का समझौता होने के बाद टीम लौट गई। पंजाब टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए पंजाब सरकार ने जयपुर में रोड शो रंगला पंजाब इवेंट आयोजित किया। ये इवेंट 11 से 13 सितंबर तक मोहाली में आयोजित होने वाले पर्यटन शिखर सम्मेलन और ट्रेवल मार्ट की प्रमोशनल एक्टिविटी का हिस्सा रहा। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य राज्य को पर्यटन और फिल्म शूटिंग के लिए सबसे पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित करने और इसकी समृद्ध विरासत परंपराओं कला रूप और रीति रिवाज को प्रदर्शित करना है। अमृतसर रूपनगर लुधियाना पटियाला और फतेहगढ़ साहिब को विदेशी पर्यटकों के बीच पॉपुलर बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। डूंगरपुर के राजस्व कर्मचारी अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर आज गुरुवार को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। अजमेर में राजस्व मंडल का घेराव करेंगे। अपनी मांगों को लेकर राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले राजस्व कर्मियों ने बुधवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। डूंगरपुर जिले के कानून को संघ के जिलाध्यक्ष चिराग कोठारी के नेतृत्व में पटवारी भू अभिलेख निरीक्षक और नायब तहसीलदार बुधवार को कलेक्ट्रेट पर एकत्रित हुए। केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान में बनाए गए 33 खेलो इंडिया सेंटर का बुधवार को केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने उद्घाटन किया। इस दौरान राजस्थान के खेल मंत्री अशोक चंद्रा ने उनसे प्रदेश के जिलों में हुई बढ़ोतरी का हवाला देकर 50 खेलो इंडिया सेंटर बनाने की मांग की। इस पर केंद्रीय खेल मंत्री ने प्रदेश में 51 सेंटर बनाने का वादा किया। मंत्री अशोक चंद्रा और उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया की मांग पर राजस्थान में भी नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि देश भर में खेलो इंडिया सेंटर के माध्यम से कोचों को ब्लॉक स्तर पर भी ट्रेनिंग दी जाएगी। अलवर में 25 अगस्त को बाबू शोभा राम कला महाविद्यालय में 1 दिवसीय मेगा जॉब फेयर यानी रोजगार मेला लगने वाला है। इस रोजगार मेले में उम्मीदवार भाग लेकर रोजगार पा सकते हैं। उम्मीदवार QR कोड स्कैन कर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस मेले में नामी कंपनियां मौके पर ही प्लेसमेंट का ऑफर देंगे। रोजगार की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अनुरूप रोजगार विभाग द्वारा 25 अगस्त को प्रातः 9 बजे से शाम के 4 बजे तक राजकीय बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय अलवर के खेल मैदान में मेगा जॉब फेयर आयोजित किया जाएगा। जो भी उम्मीदवार रोजगार के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे इस 25 अगस्त को आयोजित होने वाले मेगा जॉब फेयर में भाग ले सकते हैं। राजस्थान में बढ़ते बिजली संकट के मद्देनजर राज्य सरकार उद्योगों को बिजली आपूर्ति में कटौती करेगी और इसे किसानों और आम लोगों को देगी। अधिकारियों ने बुधवार को ये बात कही। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में चल रहे बिजली संकट से निपटने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए अधिकारियों के साथ एक बैठक की। अधिकारी ने बताया कि बैठक में उद्योगों की बिजली आपूर्ति में कटौती कर इसे किसानों और आम उपभोक्ताओं को देने का निर्णय लिया गया है। संकट के चलते किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए दिन के बजाय रात को बिजली दी जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।